Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. And yes, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है. पता नहीं मैं कितने बरसों बाद अर्बन स्केचिंग करने वाली हूँ. And trust me, इस बार हम कुछ बहुत डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं. बिकॉज मुझे भी नहीं पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं एग्जैक्टली. रैंडम मुझे आइडिया आएगा, मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उसी से ही ऐसे नन्हे आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिलता है. यस, मैं हूँ नन्ना आर्टिस्ट, क्योंकि मैं नन्ही हूँ यार. चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आर्ट बुक से, जहाँ पे मैं अभी करने वाली हूँ रफ स्केच. बिकॉज इम्पोर्टेंट है यार ये करना, अदरवाइज पता नहीं क्या बन जाएगा. सो आई एम प्लानिंग, मैं आज बनाऊंगी ढेर सारे घर. बिकॉज घर जितने भी हो कम है यार, हमारी देश की पॉपुलेशन देख रहे हो कैसे बढ़ती जा रही है. मैं रिसेंटली मेघालय गई थी, तो मैं वहां से इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ ना कि आज वाली भी अर्बन स्केचिंग उसी से ही काइंड ऑफ रिलेटेड होने वाली है. बट आज की कलाकारी ये है कि मैं नॉर्मल पेपर पे नहीं करने वाली अर्बन स्केचिंग. आज हम नॉर्मल से बेकार से फालतू पड़े हुए कार्डबोर्ड के ऊपर करने वाले अर्बन स्केचिंग. थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट हमें करके दिखाना होगा यार. एंड इसमें मेहनत भी काफी लग रही है फाड़ने में. इसे चारों दिशाओं से फाड़ने के बाद रेडी हो चुका है हमारा कैनवस. कैसा लग रहा है आपको? क्या ये तो काफी ज्यादा बकवास लग रहा है. याद रखना इस बात को, मैं मजाक नहीं कर रही, देखते जाओ मैं क्या करती हूँ अभी. सो सबसे पहले जो भी मैंने रफ स्केच बनाया था यार, मैं एग्जैक्टली उसे कॉपी करने वाली हूँ इस अगली से नॉट सो गुड कार्डबोर्ड पे. बट अब देखते ही जाओ यार तुम मैं क्या करती हूँ, बिकॉज तुम ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे. बाय द वे ये ब्लैक पेन 5 या 10 रुपए का था, एंड इसी को यूज करके आज हम इस अर्बन स्केचिंग को कंप्लीट करेंगे. आई मीन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ एज वेल, जैसे कि पोस्का मार्कर्स, वाटर कलर्स एंड पता नहीं क्या क्या. मुझे खुद को भी नहीं पता यार, बिकॉज नहीं पता यार मुझे. आई मीन मैं बस फ्लो के साथ जाने वाली हूँ, सच बता रही हूँ. मैं कुछ भी पहले से डिसाइड करके नहीं आई हूँ यहाँ पे. एनीवे यार, ये ना प्रोसेस थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये पेन वाला, बिकॉज इसमें एक एक लाइन हाथ से बनानी पड़ती है, एक एक स्ट्रोक हाथ से मारना पड़ता है. ऑफकोर्स मतलब हाथ से ही मारेंगे हम, पैर से तो मारेंगे नहीं. बट मुझे तो एक ही बात पता है कि सबर का फल सच में मीठा होता है. एंड आई होप यार ये फल मीठा ही हो, कड़वा नहीं चाहिए मुझे, ना ही खट्टा चाहिए, अदरवाइज मेरा मूड ऑफ होने वाला है यार. एनीवे सो मैं एक एक नन्नी छोटी मोटी प्यारी नन्नी क्यूटू क्या बोल रही हूँ मैं, सारी डिटेल्स पे ध्यान दूंगी. ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड अब होगा हमारा रंगों का खेल शुरू. आई एम श्योर यू गाइस आर एक्साइटेड, क्योंकि अभी ना ये कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है. अपने पुराने से वाटर कलर्स को वेट करने के बाद अब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. जहां जहां मुझे हरियाली दिखानी है वहां वहां मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगी. जहां जहां मुझे घर दिखाने हैं वहां वहां मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगी. ओके सो वाटर कलर्स ऐड करते करते मजा तो आ रहा है, बट वैसा वाला मजा नहीं आ रहा. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वाह बेटा पेंटिंग में चार चांद लग चुके हैं, बहुत ही बेसिक सी लग रही है अभी भी. सो आई एम थिंकिंग क्यों ना हम अपने पोस्का मार्कर्स को भी ट्राई करें. आई एम नॉट श्योर वो कैसा लगेगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी शायद ये पेंटिंग खराब हो जाए, बट यार रिस्क तो लेना पड़ेगा ना अपने को. जल्दी से इन सफेद दीवारों को पीला करते हैं एंड देखते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं. I am not sure if this is gonna work or not, but हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. Not bad. I think I like it, yeah. What do you think? Please comment section में जल्दी से बता दो. I think अब मैं बाकी colors भी Posca markers के use करना start कर दूंगी, because I think this is working really well, at least for me. I'm not sure आपको ये कैसा लग रहा होगा, but इसे complete करके देखते हैं कि ये painting अच्छी बनती है कि नहीं, because I'm still not very sure. यार but ये Posca markers लग बहुत प्यारे रहे हैं. What do you think? Please comment section में जल्दी से बता दो. And पता नहीं मैंने अभी तक कितने सारे घर बना लिए यार, मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा. घर को
मारो गोली आपने नोटिस किया कि मैं कैसी टेक्निक का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पोस्का मार्कर्स की हेल्प से कलर कर रही हूँ, उसके बाद ब्रश की हेल्प से उसे स्प्रेड कर रही हूँ, एंड दैट इज वाई उससे इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे इस चीज के बारे में पहले नहीं पता था, ये इसी वीडियो के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते करते पता चला है। सो दैट पर्टिकुलरली मीन्स कि हम किसी भी मीडियम को तोड़ मोड़ कर सकते हैं अगर हम उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें तो। मानते हो कि नहीं? इनफैक्ट यार, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने कार्डबोर्ड चूज किया था, मैंने नहीं सोचा था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे रैंडम मीडियम्स को मिक्स एंड मैच करके। डेफिनेटली यार, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शौक है, ये ऐसे पॉजिटिव शौक है। सो यस, आई एम अगेन गोना यूज माय वाटर कलर्स, एंड मैं इन्हीं की हेल्प से थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी, बिकॉज यू नो इट राइट कि डिटेल्स के बिना मुझे सब कुछ फीका फीका ही लगता है, एंड जब तक डिटेल्स नहीं होती मुझे सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है। कॉज यार, हम इस पेंटिंग को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, मैं इसमें डिटेल्स ऐड करूंगी, घास फूस ऐड करूंगी, सो दैट इट लुक्स मोर रियल, एंड थोड़ा मजा तो आना चाहिए ना यार। देख रहे हो ना यार, मैं इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे घरों में भी कितनी ज्यादा डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसमें इतनी जान आती जा रही है इस अर्बन स्केचिंग में। एंड ऑफ कोर्स यार, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहाँ हमने स्टार्ट किया था, कहाँ अभी हम हैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैंने ऐसा विजुअलाइज नहीं किया था, मैंने जो भी विजुअलाइज किया था डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। बीच में ना मुझे बनाते बनाते ऐसा लग रहा था, ओ शिट दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट करती गई थिंकिंग कि यार इसे बेटर करना होगा, मेरे बस टाइम भी नहीं है कुछ नया बनाने का, एंड आई जस्ट हैव टू मैनेज मेकिंग दिस प्रिटी। सो अल्टीमेटली आई थिंक वो हो गया, एंड आई एम सो मच सैटिस्फाइड राइट नाउ विद दिस पेंटिंग। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो कैसा लगा, एंड डेफिनेटली इट वॉज अ पास, राइट? ये फेल नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, आई एम सो हैप्पी। एंड इन केस अगर आपको फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अभी भी मैं घास फूस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, बैकग्राउंड में डिटेल्स ऐड करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन घरों में थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूँ। सो यस, ये डिटेल्स इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाली है यार। Okay guys, so this was it for today's video. Do let me know in the comment section below आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब कुछ कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को प्लीज शेयर किया करो यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। Okay guys, till then take care, stay safe, bye bye, and you know it right, I love you guys, मिलते हैं अगले हफ्ते, bye bye.